हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों ये कि आज मैं आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम सेंटर आपको जीके जीएस के और करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कि शुरुआत में को करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा वीडियो आराम से देखिए। करंट अफेयर आपको नए नए लगेंगे, तो प्लीज़ आराम से देखिए, नए क्वेश्चन लगेंगे ना करंट अफेयर। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 तारीख के एग्जाम है, 10 दिन बाद पेपर, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ लग सकती है क्योंकि एग्जाम आपका 10 दिन बाद है, तो समझ सकते हैं। ठीक है, देखो फरवरी 2021 में किस राज्य में निर्धनों को 5 रुपये में किफ़ायती मूल्य भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 51 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन की बात है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। चलो तो पश्चिम बंगाल यहाँ राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बी पार्ट। जानवरों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है। 52 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे जो रूस है जो वो बना है। ठीक है, इसका जो ए ऑप्शन है वो पूरी तरह राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाले विश्व की पहली टीम कौन है। 53 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट है। ठीक है, चलो भाई पाकिस्तान है, अच्छी बात है। अगला देखते हैं जरा, ओपेरो यूरो रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। 54 नंबर प्रश्न है, तो वेस्ली सोने जीता है भाई। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहे। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन बी ऑप्शन। देखो ओपेरा यूरो रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है जो 2021 का खिताब वेस्ली सो ने जीता है भाई। ये होता है ना कि एक बार इनको कम से कम एक बार क्वेश्चन को देख लिया होगा, तो 4 ऑप्शन जब पेपर में आएंगे तो आप आराम से टिक लगा लेंगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कि पूरा वीडियो देखिए आराम से। ठीक है, चलो भाई इससे पहले बहुत पार्ट कराया, उसमें भी करंट अफेयर जीके जी सब कुछ कराया भाई, UP SSC पट एग्जाम से रिलेटेड, और रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करा रहे हैं, NTPC की भी तैयारी करा रहे हैं। जो पेपर में जो पूछे गए वही क्वेश्चन को भी मैं कराता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो या तो फिर प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 55 नंबर प्रश्न ए पार्ट है, कौशल विकास एवं उद्यमिता ए मंत्रालय, मतलब ए पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो भाई डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है बताइए। 56 नंबर प्रश्न है, तो मांडू में स्थित है, सी पार्ट राइट ऑप्शन होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, मेन लाइन चीज़ ये है इसकी, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, तो 57 नंबर प्रश्न है, तो इसका राउरकेला। ठीक है, यहाँ पे राउरकेला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, 57 का डी पार्ट राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 58 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो सी ऑप्शन वैसे एक और दो दोनों सही। ठीक है, चलो भाई यह विधेयक राज्यसभा में 10 फरवरी 2021 को पारित हुआ, सही है। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम का स्थान लेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए ये कि आप देखो अभी बता दे रहे, अभी थोड़ा हो सके तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये लास्ट में जल्दी वीडियो काट के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हो सके तो। चलो देखो 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मध्य मुद्रा विनियम सुविधा हेतु समझौता किया गया, या समझौता राशि कितनी है। 59 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन डी पार्ट है, 400 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न है, 400 मिलियन राशि रुपए। ठीक है, फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय INS विराट को डिसमेंटल करने पर रोक लगा दी, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए जिसे आपसे सोचिए क्या राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पूरा वीडियो पूरा देख लो क्वेश्चन, चलो अब बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो भाई देखो INS विराट को डिसमेंटल करने पर रोक लगाने है, तो याचिका मैसर्स एनविटिक मरीन कॉन्स्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने INS विराट को डिसमेंटल करने के स्थान पर म्यूजियम के रूप में संरक्षित करने की पेशकश की, बिल्कुल सही, पहला और दूसरा सही है। INS विराट ने
INS विराट ने वर्ष 1959 से 1984 के बीच HMS हारमीट्स के रूप में फ्रांस लिखा है, ठीक है, फ्रांस नेवी में अपनी सुरक्षा सेवा प्रदान की, नहीं गलत है। INS विराट को वर्ष 2001 में भारतीय नौसेना में शामिल किया, बिल्कुल गलत है। कहाँ शामिल किया, नहीं शामिल किया गया, तो पहला दूसरा सही है, ए सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, सेट नंबर प्रश्न है, तो इसका प्रोबेबल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले ही बता दे। 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो योजना विधि आधारित है, योजना विधि किन पे आधारित है बताइए, तो इनमें से कोई नहीं, वैसे कर इसमें भी नहीं है, देखने सुनने किसी भी नहीं है। 62 जो एक बार बता दे रहे फिर से, चलो जो योजना विधि है आपकी, ठीक है, योजना विधि के अंतर्गत बालक अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, ये आपकी विधि है, ठीक है, आधारित है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है भारत का, ठीक है, तो किसी का किसने गाया, बंकिम चंद चटर्जी ने गाया है। 63 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई, राग भैरव का गायन समय है क्या है, 64 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन प्रातः काल, ठीक है, प्रारंभ में सुबह। अगला प्रश्न है, समान मुद्रा में कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, सॉरी नाइट्रोजन एन होगा तो एम का बना है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो होता है अनुपात कितना होता है, तो 15:1 होता है, 15:1 कार्बन का 15 नाइट्रोजन का 1 अनुपात होता है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखो विशिष्ट मृदा, वरिष्ठ मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, तो मृदा कणाकार कहते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, 67 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है, अल्टियस सीटियस फोर्टियस राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, 68 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन है, पुलेला गोपीचंद यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, 69 नंबर का डी ऑप्शन सुखासन, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, 70 नंबर का ए पार्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खेला गया है, ठीक है। अब ये छोटा सा केवल इतना देखो, एक मिनट रुकिएगा भाई, छोटा सा एक काम कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे सेकंड चैनल का, ठीक है, नाम क्या है, डिफेंस स्टडी है, देखो सेकंड चैनल के नीचे लिंक डली होगी, तो उसको क्लिक कर लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उसको भी, और ये वाला वीडियो देखो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, उस पर मैंने सेकंड चैनल पर 1000 वीडियो कराए, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा।